आज गांधी जयंती के अवसर पर हम सब लोगों ने न सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लेकिन कल का जो हादसा हुआ हम सब ने देखा, उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, जिस क्रूरता से सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, रात के 2:30 बजे पीड़िता का जिसकी हत्या की गई उसका अंतिम संस्कार किया गया, घर वालों को दूर रखा गया और बलात्कार जैसे घिनौने कर्म करने वाले देश के किसी कोने में हों उनको मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन पहली बार देखा कि पुलिस ने, प्रशासन और सरकार ने उत्तर प्रदेश में जानबूझकर सबूत निपटाने की कोशिश करी और उनके परिजनों को धमकाने की कोशिश करी। वहाँ के जिला कलेक्टर ने, मुख्यमंत्री जी और पूरे प्रशासन ने विपक्ष की आवाज़ को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और राहुल गांधी और प्रियंका जी के साथ जो बर्ताव कल किया गया वह अशोभनीय है, निंदनीय है। संस्कार, मानवता, संविधान, कानून, सबकी धज्जियाँ उड़ाई गई। पूरे देश में आज आक्रोश इस बात का है कि इस घिनौने जुर्म करने वाले लोगों को बचाने का काम ये प्रदेश की सरकार कर रही है। आज से 1 साल पहले उन्नाव में प्रकरण हुआ था, ठीक इसी प्रकार का घटनाक्रम था और आज दोबारा यहाँ पर हो रहा है। बलरामपुर में एक और घटना हुई, लगातार घटनाएं हो रही हैं। मैं कहता हूँ बलात्कार देश प्रदेश किसी कोने में कहीं पर भी हो धन्य पदार्थ, ये अपराध है, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार खुद ही पीड़िता को, उसके परिवार की आवाज़ दबाने का काम करे तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है। खासकर आज जैसे मैंने कहा महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस है, क्या उदाहरण लेकर हम समाज के सामने जा रहे हैं और जिस प्रकार धक्का मुक्की की गई, उनके साथ बर्ताव किया गया, एक स्वस्थ लोकतंत्र में इस प्रकार का बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरी कांग्रेस पार्टी ने कल भी प्रदर्शन किया, आज भी देश भर में हम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अंतिम हमारा संघर्ष है न्याय दिलाने का, उसमें कांग्रेस पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगी। सर, चुनाव में जो वादे किए थे उन पर अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, आज पूरा विवरण आपके सामने आ जाएगा, इंतजार करिए। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने जितना हो सका, सीमित साधन थे, चुनाव आए, कोरोना के बावजूद भी जितना हम कर सकते थे हमने किया, जो सही आंकड़े हैं आपको दोपहर बाद मालूम पड़ जाएंगे। मैंने कहा देश का कोई कोना हो, कहीं पर दुष्कर्म हो, शोषण हो, महिलाओं के साथ अगर दुष्कर्म होता है उसकी हम निंदा करते हैं और सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे प्रदेश में अगर कहीं ऐसा अपराध होता है तो बड़े पारदर्शिता से मुलजिमों को पकड़ा जाएगा, उन पर कार्रवाई करी जाएगी, उनको सजा दी जाएगी। लेकिन सरकार खुद ही अगर हाथ मिला ले तो फिर हम क्या उदाहरण दे रहे हैं देश के साथ। सर, आज आपकी सरकार